खबर गया से है जहां जदयू के जिला अध्यक्ष द्वारिका प्रसाद एवं जदयू महानगर जिला अध्यक्ष श्री राजू बरनवाल जी ने संयुक्त रूप से पूर्व विधायक कृष्ण नंदन यादव जी की मौजूदगी में पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। साथ ही श्री द्वारिका प्रसाद जी ने आरोप लगाया कि भाजपा देश में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना चाहती है। जदयू के इस मार्च के मकसद भाजपा की साजिश का पर्दाफाश करना है। इस मार्च का उद्देश्य केंद्र सरकार की नीतियों एवं उसके मंसूबे के बारे में लोगों को अवगत कराना है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अगर एसएस के एजेंडे पर कार्य कर रही है, संघीय ढांचे को नष्ट कर रही है, तो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। भारतीय संविधान इस तरह के एजेंडे को अनुमति नहीं देता। धर्मनिरपेक्षता हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। आज भारत की धर्मनिरपेक्षता खतरे में है। श्री बरनवाल जी ने भी कहा कि बीते 8 वर्षों में खाने से लेकर ईंधन तक की कीमत से बेतहाशा तेजी से कारण गरीबों का चूल्हा जलना भी कठिन हो गया है। भारत में पहली बार चावल, आटा, दाल, छाछ, दही, पनीर इत्यादि पर जीएसटी लगाया गया। इससे गरीब को कुपोषण एवं भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। देश के बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी एवं कुपोषण आज चरम पर है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी जी बोले कि महंगाई कम करेंगे पर महंगाई को बढ़ा दिए, और उन्होंने यह भी कहा था कि करोड़ों लोगों को रोजगार दूंगा, पहले बड़े पैमाने पर रोजगार छीन लिया गया। इस तमाम मुद्दे एवं गलत नीतियों का जदयू पर पुरजोर भर्त्सना करती है। इसका विरोध में पार्टी ने 27 सितंबर 2022 को प्रदेश के सभी प्रखंड में सतर्कता एवं जागरूकता मार्च आयोजित करने का जो निर्णय लिया गया है, उस निर्णय के तहत गया जिले में हर प्रखंडों में 11 बजे एवं सभी मुख्यालयों में 3 बजे जागरूकता मार्च निकाली जाएगी, जो अंबेडकर पार्क से होते हुए जीबी रोड से निकलकर टावर चौक तक जाएगी। उत्तक मार्च से हम लोग आम आवाज को केंद्र सरकार की गलत नीतियों में अवगत कराने का काम करेंगे। मैं जिस देश में रहता हूं, उस देश के खुले आसमान में सभी हिंदुस्तान में रहने वाले लोग सभी स्वच्छंद विचरण करते हैं। आज इस देश की परिवेश निश्चित रूप से बदली हुई नज़र आती है सभी लोगों को। इसलिए हम जनता दल यू पार्टी के लोग, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू और प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा निर्देशित पूरे बिहार के हर प्रखंड में मुख्यालय में सतर्कता जागरूकता मार्च 27 तारीख को निकाली जाएगी, उसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत आन पड़ी है। हम सभी लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि जिस देश में हम रहते हैं वो देश स्वाभिमान से भरा हुआ देश है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध सभी लोगों का देश है। लेकिन आज नफरत फैलाई जा रही है, और नफरत इसलिए फैलाई जा रही है कि यहाँ विकास नाम का कोई चीज़ नहीं था। जब सरकार बनी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जब सरकार बनाई गई थी उसके पहले जो शब्द उनके मुखारविंद से, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के मुखारविंद से जिन शब्दों का उच्चारण किया गया था, वो शब्द विलुप्त हो गए हैं। उनके पास कोई शब्द नहीं है। आज महंगाई चरम पर है, आज बेरोजगारी चरम पर है। जो महंगाई, जो परिवार के लोग, हमारे गरीब परिवार के लोग जो टकटकी नज़र लगाए बैठे थे विकास की किरण के लिए, लास्ट पायदान में रहने वाले लोगों जो चावल और रोटी खा के अपना जीवन गुजर बसर करते हैं, वैसे लोगों के लिए भी आटा में, चावल में, दाल में, दूध में, दही में, छाछ में जीएसटी लगाया जा रहा है। तो सरकार के पास में कोई शब्द नहीं बचा है, विकास का कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी कैसे ख़त्म होगी इसका कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई कैसे ख़त्म होगा इसका कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास मुद्दा है हिंदू और मुस्लिम को कैसे लड़ाओ, हिंदू मुस्लिम लड़े और लड़ कर करके कैसे सरकार में, केंद्र की सरकार में मजबूती के साथ बने रहो, इसकी वैकल्पिक व्यवस्था इनके पास में है। बेरोजगारी की समस्याएं अनवरत बढ़ती जा रही है, नौजवान बेरोजगार होते जा रहे हैं, जो गरीब परिवार के लोग थे, असहाय थे, उनके पास में कोई शब्द नहीं बचा है, कोई काम नहीं बचा है, कोई रोजगार नहीं बचा है, वैसे उसको हटाने के लिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी को सजग करने के लिए और जगाने के लिए सो चुके हैं, शायद 2024 में जागें, लेकिन हम लोग जगाना चाहते हैं उनको कि आप जाग जाइए, और बिहार की जनता समझ चुकी है आप क्या करना चाहते हैं और किस पैटर्न पे इस देश को ले जाना चाहते हैं। इसलिए हम लोग 27
तारीख को 27 सितंबर को पैदल मार्च, जागरूकता मार्च, सत्कर्तव्य मार्च निकालेंगे। अंबेडकर मार्केट से निकाल के टावर चौक पे जाएंगे और जा करके उस दिन से हम लोग सजग हो कर करके और बिहार में रहने वाले सभी आम आवाम को सजग करेंगे कि जाग जाइए। आज शुरू हो गया है उनका सीमांचल से। सीमांचल क्यों भाई? आप पूरे देश के गृह मंत्री हैं, आप सीमांचल क्यों, सीमांचल में ही क्यों जा रहे हैं? तो इनके पास कोई शब्द नहीं है, हिंदू मुसलमान करवाना है, देश को लड़वाना है और देश को लड़वा कर करके वोट इसी तरीके से वोट षड्यंत्र करके ले लेना है।